I don't understand. For what? Yeah. Who are you to comment on somebody's clothes? Yeah. If she's comfortable. Yeah. I've been telling this to people that I challenge you to wear that outfit for 10 minutes. Priyanka's outfit, yeah. It takes guts and confidence. 10 minutes, I challenge you. It's not easy to wear such an outfit. It's not an easy, breezy, flowy, covered outfit that you can just, you know, pose and do stuff. It is a tricky outfit. Aapne kaha hai ki libas dusre mazhab ki yaksaniyat wala na ho. Aapne jo libas pehna hai, jo isaiyat ki mushabahat wala mana jata hai. Ye kya hai? Sawal puchne wale ne apna naam nahi likha. Bhai ne sawal pucha hai ki जो मैं लिबास पहना हूँ, कोट, टाई, शर्ट, पैंट, ये ईसाई मजहब की निशानी है, तो क्या जायज है? तकरीर में तो मैंने कहा कि वो लिबास जो दूसरे मजहब की निशानी हराम है। इस सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। लोग को गलत फहमी है कि टाई और कोट ईसाई मजहब की निशानी है। जब हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि टाई ईसाई की निशानी है। ये गलत फहमी है लोगों में कि टाई क्रॉस की निशानी है। मैं जानता हूं कई मुसलमान सोचते हैं टाई इज अ साइन ऑफ क्रॉस, ये टाई सलीब की निशानी है, इसलिए हराम है। अगर हम तहकीक करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसमें लिखा हुआ है ये टाई सबसे पहली बार पहना गया था इन बोस्निया to keep the garments on the body. ये बोस्निया का एक cultural dress था, शुरू उधर like a bow tie started there. और बोस्निया में कौन लोग रहते? बोस्निया मुसलमान रहते, वहां से शुरू हुआ और फिर फैला। ये टाई ईसाइत की निशानी है ही नहीं। और एक रिसर्च किया गया था एक शख्स ने रियाद में इसके ऊपर ही, उसे कहीं भी ये नहीं मिला कि टाई ईसाई की निशानी है। ये तो हमारे मुसलमान जो वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ है, ये कहते ये टाई और कोट, अगर आप कहते वेस्टर्न कल्चर, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये कहना कि ईसाई की निशानी है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, कहीं भी बाइबल में जिक्र नहीं। आप अब्रॉड जाएंगे तो हिंदू भी कोट टाई पहनता है, मुसलमान भी पहनता है, क्रिश्चियन भी पहनता है। ये हमें गलत फहमी है कुछ मुसलमानों को। और जब आप ये अरब लोग जब तो पहनते हाथ ऊपर करते हैं, तो अगर पहना हुआ इंसान और हाथ ऊपर करता है वो तो लिखता है क्रॉस जैसा, लेकिन थोड़ी तो ईसाई मजहब में निशानी है ईसाइत की, वो तो पहन सकता है। लोग बोलते शर्ट मत पहनो, कुर्ता पहनो। कमीज अरबी लफ्ज है शर्ट के लिए, कमीज का जिक्र कुरान मजीद में कई जगह है, सूरह यूसुफ में सूरह नंबर 12, कुर्ते का जिक्र है ही नहीं, कमीज का जिक्र है कुरान मजिद में। क्या जानते यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते और पीछे से शर्ट फट जाता है, उसका जिक्र है, कहानी है यूसुफ अलैहिस्सलाम की। कमीज कैसा था, हो सकता है ऐसा ना हो, बट कमीज का जिक्र है। तो लोग को गलत फहमी है कि शर्ट कोट टाई, आप कोई भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं अगर वो शरीयत के खिलाफ नहीं है। वो कल्चर अगर शरीयत के खिलाफ है तो आप फॉलो नहीं कर सकते। अगर ये वेस्टर्न कल्चर है कोट पहनना, शरीयत के खिलाफ है तो हराम है, शरीयत के खिलाफ नहीं तो मुबाह है। लेकिन और एक कल्चर है वेस्टर्न कल्चर में शॉर्ट्स पहनना, ये कल्चर शरीयत के खिलाफ है, क्योंकि मर्द लोग का सतर है नाफ से लेके घुटने तक। तो अगर मैं कहूं कि वेस्टर्न कल्चर फॉलो करके शॉर्ट्स पहनूंगा तो हराम हो जाएगा, क्योंकि शरीयत के खिलाफ है। लेकिन शरीयत में कहीं नहीं लिखे टाई मत पहनो कोट मत पहनो, तो टाई और कोट पहनना मुबाह है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुस्तहब है, मुस्तहब ने फर्ज भी नहीं, मुस्तहब भी नहीं, मुबाह है। पहनने का है तो पहनो, मत पहनने का है मत पहनो, अच्छा लगता है पहनो, नहीं लगता है छोड़ दो, मैं थोड़ी जबरदस्ती कर रहा हूँ। और मैं भी हमेशा नहीं कोट टाई पहनता हूँ, क्योंकि मैं सैटेलाइट पे आता हूँ और मुख्तलिफ मुमालिक में मेरे प्रोग्राम जाते हैं, और वेस्टर्न कंट्री में कोट टाई एक फॉर्मल ड्रेस है, तो और कई गैर मुस्लिम मुझे देखते हैं, इसीलिए मैं पहनता हूँ। ये इस्लाम में मुबाह है, आपको पसंद है तो पहनो, नहीं पसंद तो मत पहनो, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि हराम है, ये आपको गलत फहमी है। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। आज की मीडिया कहती है कि इस्लाम औरतों को जलील करता है, औरतों के हुकूक नहीं है,
इस मजहब इस्लाम में। जब हम वेस्टर्न मीडिया देखते हैं हमें पता लगता है द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट अ डिस्गाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ बॉडी, डिप्राइवेशन ऑफ ऑनर एंड डिग्रेडेशन ऑफ अ सोल। ये मगरबी नारा आजादी निस्वा का हकीकत में औरत को जलील करता है, उसकी इज्जत को लूटता है, आबरू को लूटता है। द वेस्टर्न सोसाइटी क्लेमिंग टू अपलिफ्ट द वुमेन हैज एक्चुअली डिग्रेडेड हर टू अ स्टेटस ऑफ कॉन्क्यूबाइंस, मिस्ट्रेसेस एंड सोसाइटी बटरफ्लाइज व्हिच आर हिडन बिहाइंड द कलरफुल स्क्रीन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये मगरबी तहजीब जब कहती है कि हम औरतों के दर्जे को बुलंद करते हैं, हकीकत में वो औरतों को तवायफ बनाते हैं, रखेल बनाते हैं, बाजार की जीनत बनाते हैं आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे। आर्ट और कल्चर के नाम पे वो कहते हैं कि हम औरतों को आजादी दे रहे, हकीकत में वो उन्हें जलील करते हैं। और हम देखते हैं वुमेन लिबरलाइजेशन के नाम पे ये वेस्टर्नर्स क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे अक्सर एडवर्टीजमेंट में आपको औरतें मिलेंगी, जो चीज औरतें इस्तेमाल नहीं करती उसमें भी औरतें मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप अगर मोटरसाइकिल की एड देखेंगे, कितने खवातीन, कितने औरतें दुनिया में मोटरसाइकिल चलाती है, कितने, फिर भी मोटरसाइकिल की एड में आप औरतों को देखेंगे। एक बहुत फेमस एड थी, मुझे किसने कहा था, बीएमडब्ल्यू मोटर गाड़ी की, ये गाड़ी है बीएमडब्ल्यू जो नौजवानों में बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। आमतौर पे मर्सिडीज को माना जाता है बहुत अच्छी गाड़ी, लेकिन नौजवानों में बीएमडब्ल्यू, वो और तेज है, उसका पिकअप अच्छा है, तो नौजवान पसंद करते हैं बीएमडब्ल्यू गाड़ी, और तेज और पिकअप, वेरी फास्ट कार। तो मुझे किसने कहा था, एक मशहूर एडवर्टीजमेंट थी बीएमडब्ल्यू की, उस बीएमडब्ल्यू के आगे उस एडवर्टीजमेंट में एक औरत है बिकनी में, उसके बदन पे बहुत कम लिबास था बिकनी में, और वो एड में लिखा था, वो गाड़ी के आगे खड़ी थी वो औरत बिकनी में, और एडवर्टीजमेंट में लिखा था टेस्ट ड्राइव हर नाउ, उसे घुमाओ और देखो अभी किसको, लड़की को या गाड़ी को। ये मगरबी तहजीब उनके माओ को बेचती है, उनके बेटियों को बेचती है, उनके बहनों को बेचती है। हम इसको बिल्कुल गलत कहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे मां, हमारे बहन, हमारी बेटियां बाजार की जीनत बने। वो लिबरलाइजेशन के नाम पे, तरक्की के नाम पे अपने खातून, अपने औरतों को बेच रही है। और हम देखते हैं कि जितना भी मीडिया इस्लाम को बदनाम कर रही है उतना ही इस्लाम फैल रहा है। ये अमेरिकन औरतें इस्लाम को क्यों कबूल कर रही है, ये यूरोपियन औरतें इस्लाम को क्यों कबूल कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि औरतों के मसाइल का हल इस्लाम है, वो जानते हैं कि औरतों के लिए रहमत है इस्लाम। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरो मकर अल्लाह वल्लाह खैरुल माकरीन, उन लोगों ने प्लान किया, साजिश की, अल्लाह ने भी प्लान किया, और सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जितना वो इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही इस्लाम तेजी से फैल रहा है। और खुसूसन मीडिया 11 सितंबर 2001 के बाद जो तेजी से इस्लाम को बदनाम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उतनी ही तेजी से इस्लाम फैल रहा है। 11 सितंबर 2001 के बाद 10 महीने में 34,000 अमेरिकनों ने इस्लाम कबूल किया। 11 सितंबर 2001 के बाद 9 महीने में
22,000 यूरोपियन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। जितना भी वो इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही इस्लाम फैल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं इस्लाम इंसानियत के लिए रहमत है, जहमत नहीं। जब मीडिया कहती है कि इंसानियत के लिए इस्लाम एक मसला है, हालांकि इंसानियत के मसाइल का हल है इस्लाम।